प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में सामर्थी है। जब कोई मनुष्य उसके वचन को मनन करता है, उस पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में आने लगती है। और जब परमेश्वर की सामर्थ किसी मनुष्य के जीवन में आने लगती है, सबसे पहले परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन को बदलती है, उसे परिवर्तित करती है, ताकि लोग देख सकें कि उसके अंदर का जीवन और उसका बाहर का जीवन परमेश्वर की ओर से है। ये तभी संभव है जब आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है भजन संहिता 14 अध्याय पहले पद में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर भी नहीं। हाँ प्रिय, मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए। कौन घिनौने काम करते हैं, कौन बिगड़ जाते हैं? जो ये मानते ही नहीं कि परमेश्वर है ही नहीं, और जो ये मानते हैं कि देयर इज नो गॉड, परमेश्वर नहीं है, बाइबल उन्हें मूर्ख कहती है। उनके इस प्रकार से विश्वास करने से या मान लेने से ईश्वर नहीं है, शैतान आसानी से उन लोगों में कार्य करने लगता है जो ये मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए वो उनके हृदय में आकर, उनके जीवन में आकर उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद करने लगता है। जब शैतान उनके अंदर के जीवन को बर्बाद करने लगता है, तब उनका भारी जीवन भी बहुत दुखदायी होता है। ब्रदर सिस्टर, देयर इज गॉड, परमेश्वर है। एक मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर की आवश्यकता होती है, तब हम प्रतिदिन अपने मोबाइल के द्वारा जिन कामों को करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि परमेश्वर की सामर्थ हमें चार्ज ना करे, हम सुबह नहीं देख पाएंगे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, रात में बिस्तर पर जाकर सोना ये परमेश्वर ने हमारे अधिकार में दिया है, परंतु सुबह बिस्तर पर आंखें खोल देना ये परमेश्वर ने अपने अधिकार पर रखा है। मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित हैं, हम परमेश्वर की करुणा से जीवन जीते हैं। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, हमारी आंखों में जो ज्योति है इसके पीछे परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं कुछ कह पा रहा हूं जिसे आप सुन पा रहे हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। सर से लेकर पांव के नखून तक हमारे अंदर का बल, हमारी ताकत, हमारी शक्ति, जिसके द्वारा हम देखते, सुनते, बोलते और कार्य करते, सोचते, निर्णय लेते, सब परमेश्वर की सामर्थ्य है। बहुत से लोग हैं जो बिस्तर में हैं, हॉस्पिटल में हैं, प्रतिदिन इस चमत्कार को देखने की आशा करते हैं। गूंगों के पास जाकर आप पूछे, वो कितना अधिक चाहते हैं कि वो बोले, बहरे कितना अधिक चाहते हैं कि वो सुने, अंधे कितना अधिक चाहते हैं कि वो देखे, मगर उनके लिए असंभव है। देयर इज गॉड। यदि आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर की कोई योजना है आपके लिए। यू डोंट से माई ब्रदर सिस्टर दैट देयर इज नो गॉड, परमेश्वर है। परमेश्वर की वजह से मैं और आप अस्तित्व में हैं। मूर्ख कहता है कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसे अपने मन के मुताबिक शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीना होता है। तभी बाइबल कहती है जिस मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है नहीं, वही बिगड़ जाता है, उसके ही काम घिनौने होते हैं। ऐसे ढेर सारे लोगों ने ईश्वर का इनकार किया है, इसलिए संसार कुकर्मी लोगों से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कुकर्म का जीवन जीते हैं। जिस ईश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा, उसने हमें सुकर्म में स्थिर रहने के लिए बनाया। परमेश्वर का ज्ञान सभी मनुष्य के हृदयों में बहुतायत से परमेश्वर ने दिया है। सबको ज्ञान है, अंधकार क्या है, ज्योति क्या है, सत्य क्या है,
असत्य क्या है। सबको ज्ञान है पाप क्या है, पुण्य क्या है, मगर इंसान पाप को चुनता है, अंधकार को चुनता है, बुराई को चुनता है। अच्छी बातें सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाती हैं, पर बुरी चीजों को वो अंजाम देने लगता है, क्योंकि वो इस बात को मानना चाहता है दैट देयर इज नो गॉड। वो अपने ऊपर किसी का अधिकार नहीं चाहता कि कोई इस पर राज्य करे। ब्रदर सिस्टर, यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो इस वचन के अनुसार इस बात को खुद भी मानना चाहता है कि ईश्वर है नहीं, तो वो ये ना सोचे कि ऐसा करके ईश्वर का मुझ पर कोई राज्य नहीं। अगर ईश्वर का राज्य आपके जीवन में नहीं है, तो शैतान का राज्य आपके ऊपर हो।